सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। नया शहर, नई जगह और जेब में है सिर्फ 250 रुपए। टडंग टडंग टडंग। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज शाही शहर पटियाला में, जहाँ पे मुझे खाना है दिन और रात, सुबह और शाम, सारा का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। It's breakfast time, guys. And आज के food challenge का challenge पता है क्या है? वो ये है कि मेरी हर meal होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की, ना 50 रुपए से कम, ना 50 रुपए से ज़्यादा। Every meal has to be 50 rupees each. तो guys, मैं अभी इस समय हरबंस ढाबा में, जिनके ना पराठों के बारे में मैंने भाई बहुत सुना है, तो भाई पटियाला में जब पराठे शराठे तो हो जाए, आ जाओ आ जाओ। हाँ भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आपके पराठों के बारे में तो ओए होए, इतना सुना है ना मैंने। कितने के आपके पराठे? आलू पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, हाँ, अंडा पराठा। वो अच्छा, ये बताओ कि गोभी पराठे में अंडा मिला सकते हो? हाँ हाँ, बन जाएगा बन जाएगा। तो वो कितने का पड़ेगा? वो पड़ेगा आपको 40 का। 40 का। होए, ये देखो, ये तो मक्खन की ट्रे दिख गई सामने। ये छोटी टिकिया, ये कितने की है? 5 की है। ये 5 की है, ये अच्छा, ये 10 की है, तो हमें 10 वाली टिकिया लगा देना, ठीक है? तो हो गया पूरे 50। लेकिन एक बात बताओ, ये जो पराठे के अंदर अंडा डालोगे तो वो कहीं गम या गोंद से चिपकाओगे तो नहीं ना? अंडा तो फैल जाएगा, फैलेगा अंदर जाएगा। अंदर कैसे जाएगा यार? मतलब उसके पराठे के पेट में अंडा कैसे? उसके अंदर जाएगा ना, अपने आप फैल जाएगा, अपने आप फैल जाएगा। तो लगा दो भैया जरा अंडा गोभी का पराठा, हम भी तो देखे ये अंडा अंदर जाता कैसे है। बस भैया, बस भैया, ये तो मेरे चेहरे से भी बड़ा पराठा बन जाएगा मुझे ऐसा लगता है। डाल दीजिए तवे के ऊपर। ये देखिए गाइस, अब इनकी कलाकारी कैसे चुपचाप अंडे के पेट को इन्होंने दिया है चीप। और ये क्या, अब इसके अंदर डाल दिया इतना सारा अंडा। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। सो गाइस, मेरा अंडे और गोभी का पराठा जो है आ गया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर डाली हरी मिर्चे, गाजर और बटर। भैया पराठा इतना गरम था कि ये बटर पूरा पिघल गया। तो चलिए, अब है इसको डिसमेंटल करने की बारी। देखो पराठा खोल के दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। ओहो, इतना गरम है और हाँ, बटर लगाती हूँ बटर। ओए, ये गोभी के साथ अंडा तो मैंने पहली बार ट्राई करा है, गजब का टेस्ट है। देख रहे हैं इसको जरा, अचार बचार को इधर करती हूँ, देखिए दिखाइए। हो, क्या गजब की फीलिंग है। देख रहे हैं पूरा एकदम सिमेट्रिकल, एकदम बढ़िया तरीके से जो अंडा तैर गया अंदर। मुझे लगा था भैया कहीं गम से चिपका ना दे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। It's lunch time guys, और लंच में मैं खाने वाली हूँ पंजाबी छोले भटूरे, जिसके लिए मैं आ गई हूँ प्रभु जी के छोले भटूरे खाने। पता नहीं कितने के मिलेंगे, अब देखती हूँ मेरे बजट में ये छोले भटूरे आते हैं कि नहीं। आ जाओ भैया को जरा मस्का लगाते हैं। भैया कितने के छोले भटूरे? 60 रुपए से स्टिक। 60 रुपीज के? अच्छा, एक भी देते हो 40 रुपए में है? एक भटूरा? हाँ। ना तो देखो मेरे पास 40 है, ना मेरे पास 60 है, आज मेरे पास है पूरे के पूरे 50 रुपए। नहीं भैया, आपके मैं देख रही हूँ मोटे भटूरे, इनके भटूरे मोटे पनीर वाले। सच्ची है, क्या बात कर रहे हो? तो हमको जो एक भटूरा छोटा बना देना ना, मेरे में तो सादा ही आएगा। क्यों, मेरे में सादा नहीं आएगा? नहीं भैया, पनीर देखो डालना, पनीर डालना। मेरे को एक पूरा भटूरा दे देना और एक छोटा भटूरा बना देना, उसमें क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं। अरे भैया बना देना ना, ऐसा क्या, एक से पनीर कम डाल देना। चलो और तो क्या बोलो, पनीर पे सैक्रिफाइस। नहीं डालना पड़ेगा भैया, पनीर कम डाल देना। चलो भैया, आलू भी सैक्रिफाइस कर लेती हूँ, पनीर भी थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेती हूँ। ऐसा मत करो मेरे साथ, दे दो ना डेढ़ भटूरा, उसमें क्या हुआ? ठीक है सच्ची। अरे यार भैया, तो मान गए बड़े स्वीट, एक छोटा एक बड़ा, समझ गए ना? ये देख लो कितनी बड़ी बड़ी लोई है, और हमारे लिए एक लोई को आधा करेंगे। भैया हमें डेढ़ भटूरा बना के देना आपको, है पनीर अच्छे से भर देना है, ऐसे मत करना। यहाँ बन रहे एकदम गर्मा गर्म फूले भटूरे। होए यार, क्या मस्त दिख रहे हैं ये भैया, पचक गया ये वाला, पचक गया, फूलेगा क्या ये? हमें तो फूला चाहिए, हमें बचका हुआ नहीं चाहिए।
सो गाइस ये आ गए मेरे गर्मा गर्म छोले भटूरे। ने देखिए भटूरे एकदम फूले फूले गोल गोल है, एक बड़ा है एक छोटा है। साथ में यहाँ पे छोले चटनी आलू सम सैलेड और ये हरी मिर्ची तो एकदम मेरी तरह तीखी तीखी है। ऐसे दिखने में ना बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं भटूरे। चलो चलो खाते हैं। टुक 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 पचक ही गया यार ये, इतनी जल्दी पचक गया। आहा हा हा छोले लगाते हैं जरा इनके चटनी वाले छोले। मतलब ये जो छोले हैं ना एकदम मसालेदार स्पाइसी स्पाइसी हैं, बहुत अच्छे। एंड इसके अंदर देखो पनीर भैया ने ठीक ठीक भरा है कि नहीं। हाँ यार ये देखो पनीर के साथ तो ये मसाले वसाले भी आ गए, हरी धनिया लाल मिर्ची पनीर। पनीर तो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है मुझे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, मसालों के साथ पनीर डाला होगा भैया ने। इट्स स्नैक टाइम गाइस। और स्नैक्स खाने के लिए मैं आ गई हूँ मल्होत्रा स्वीट। बट अभी स्वीट्स खाने का टाइम नहीं है, वो तो रात में आएगा। अभी मैं खाने वाली हूँ, देखो देखो कितने सारे पकौड़े। मुझे लगता है 50 रुपए पे बड़े सारे पकौड़े मिलेंगे। चलो भैया से पूछे कितने के हैं। आ जाओ भैया, ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े सेक रहे हैं। भैया कितने के पकौड़े? पकौड़े कितने के हैं? 560। नहीं 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 560 रुपए के पकौड़े हैं। 560 रुपए? नहीं नहीं भैया मतलब कुछ ले ले देख के कह रहे हैं। 1 किलो तो खा लोगी? 1 किलो खा लूंगी क्या मैं? खा लो खाई राम 1 किलो पकौड़े नहीं खा सकती। नहीं नहीं भैया ये तो ग्राम के हिसाब से पीस के हिसाब से आता होगा। एक पीस कितने का है? 25 रुपए पीस। क्या 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 ₹25 का एक पनीर का पकौड़ा? अरे बाप रे बाप, मेरे पास तो 50 रुपए है। मैंने तो सोचा था भर प्लेट पकौड़े मिलेंगे, यहाँ तो एक मतलब 50 में तो सिर्फ दो ही पीस आएंगे। अरे भैया अच्छा ये बताओ 50 रुपए में बस दो पीस? अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दो पीस में मेरा क्या होगा, मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा। और ये मोटे मोटे कटलेट 25 रुपए? ये आलू की पकौड़ी? नहीं नहीं पीस बताओ। वो पीस का कोई हिसाब नहीं है तो मतलब 50 रुपए में थोड़ी मांडवाली कर लेती हूँ भैया। तो भैया ऐसा करो, देखो हमें तो पनीर पसंद है ना, तो आप एक पनीर का दे देना और एक के कटलेट दे देना। और अपनी श्रद्धा से आपको जितना जितना प्यार लगे ना कि आप बरसा सकते हो, वो 50 रुपए में थोड़े ये अतरंगी पकौड़े डाल देना ना। अतरंगी क्या होता है? मतलब जो भी आपको अच्छा लगे भैया डालोगे डालोगे। हाय भैया बड़े स्वीट है। अभी थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, अपने भाई और लोगों से थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं कि इनको पकौड़ा कौन सा डाले। मुझे लगता है कुछ तो अच्छा डाल ही देंगे। सो गाइस ये देखिए भैया ने दे दिया मुझे कितने सारे पकौड़े। देखो देखो यहाँ पे पालक के पकौड़े, आलू के पकौड़े, पनीर का पकौड़ा, ये है कटलेट और साथ ही में यहाँ पे है सोर की चटनी एंड ये है मूली। वैसे प्यारे ना मेरे भोले चेहरे को देख के मुझे इतने सारे पकौड़े दे दिए। लगता है मेरी डाइट समझ ही गया कितना सारा मैं खाती हूँ। सबसे पहले पनीर का पकौड़ा खाती हूँ। पनीर का कितना बड़ा है, मतलब कितने ग्राम में पनीर होगा मैं तो यही सोच रही हूँ यार। जो 25 रुपए का एक पीस दिया है। पनीर का जो क्वालिटी है ना मानना पड़ेगा, कितना गजब का एकदम सॉफ्ट है। देखिए इतना सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गंदे की तरह। चलो भाई अभी इसको तोड़ते हैं। ये जो कटलेट है ना ये देखो यार कितना हैवी ड्यूटी कटलेट है और इसके अंदर मुझे मटर दिख रहे हैं। मटर हो इसके अंदर तो आलू मटर भरा है, क्या बात है। यार इसके अंदर तो इन्होंने बढ़िया अदरक वदरक मसाले वसाले भर भर के डाले, काफी काफी इंटरेस्टिंग पकौड़ा है। इट्स डिनर टाइम गाइस। और डिनर खाने के लिए मैं आ गई हूँ विक्रम बर्गर। इनके बर्गर बहुत ही फेमस है बट गाइस एक प्रॉब्लम है, इनके यहाँ कोई भी 50 रुपए का तो बर्गर ही नहीं है। वैसे तो मेरे पास बचे हैं अब पूरे के पूरे 100 रुपए, बट आज सारी मील्स खानी है ना सिर्फ 50 रुपए में। भैया के साथ बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी बर्गर को 50 रुपए तक का कराने में। आ जाओ करते हैं मशक्कत, आ जाओ आ जाओ। So, भैया आपके बर्गर के बारे में हमने बहुत सुना है, कौन कौन से बर्गर है? सबसे अच्छा सबसे फेमस कौन से, सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? चिप्स टिक्की बहुत चलता है। अच्छा ये तो सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है। तो मतलब भैया हमारे पास देखिए सिर्फ 50 रुपए है, आपके बर्गर जो है स्टार्ट हो जाते हैं 60 रुपए से। तो हमको 50 रुपए में कोई फ्यूजन बर्गर बना के देंगे आप? बिना टिक्की का बर्गर? नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया इतना फ्यूजन मत करना कि मेरी आलू की टिक्कियाँ ही चलेगी। तो खीरे का मटर खाऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल
खीरे टमाटर और चिप्स? नहीं 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 भैया, आलू की टिक्की तो जरूर डालना, नहीं तो बर्गर बर्गर ही नहीं रह जाए। हम बंबई से आए हैं। हाँ, फिर तो ये भैया तो बड़े क्यूट निकले। हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि बड़ी कठिनाई लगेगी हमको भैया को पटाने के अंदर, बट भैया मान गए। सो गाइज, ये आ गया मेरा 50 रुपीज का बर्गर, जो मुझे बहुत ही हैवी ड्यूटी लग रहा है। देखूं अंदर क्या क्या है। ओहो, गर्मा गर्म है। इसमें तो लगे हैं लेज वाले चिप्स, एकदम मसाला मसाला चिप्स। ये है इनकी आलू की पैटी, ये देख रहे हैं आलू की पैटी की आलू की टिकिया, और साथ में कोल्डस्लो भी लगाया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और इसके नीचे और क्या क्या है? प्याज है, कैप्सिकम है, टमेटो है, बहुत चीज़ें हैं भाई। चले चले, अभी आती है इसको खाने की बारी। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। भैया ने तो पूरा पूरा लाड़ दिखाया इसको बनाने में, लगता है। अरे बाप रे, हुए यार, सच बताऊं मतलब बहुत स्वाद है इस बर्गर में। सीरियसली मतलब अगर आप पटियाला और ये बर्गर ना खाओ तो ऐसा है कि आपने कुछ मिस कर दिया, कुछ क्या, बहुत कुछ मिस कर दिया। मतलब इसके अंदर जो क्रंच ऐड कर रहे हैं ना, ये जो लेज वाले चिप्स भैया ने डाले, बहुत ही अमेजिंग है यार। मतलब वैसे गाय ये 70 का है, मुझे 50 का पड़ा है, बट ये फुल पैसा वसूल है। मजा आ गया पंजाबी पंजाबी बर्गर खा के। सो गाइज, अब बचे हैं ये लास्ट 50 रुपए, जिसमें मैं करने वाली हूँ डिजर्ट टाइम। सो डिजर्ट खाने के लिए देखो देखो कहाँ आई हूँ। यहाँ पे मुझे दिखा है एकदम ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गाजर का हलवा। सो भैया कैसे दिए गाजर का हलवा? 400 रुपए किलो। अब किलो भर तो मैं कैसे खाऊंगी, इतना थोड़े खाती हूँ। मतलब मानती हूँ ज्यादा खाती हूँ, पर एक किलो हलवा नहीं खा सकती। तो अभी खाने के लिए कटोरी में कितने कर दोगे? 40 रुपए का 100 ग्राम। और ये गुलाब जामुन गर्म है कि ठंडे? गर्मा गर्म पक्की बात। तो ये कितने के? 25 के 2। होए, 25 के 2 है तो इन। अच्छा एक काम करोगे आप, 40 का तो मुझे हलवा लगा देना, और ये काजू जो दिखाने के लिए रखे हो ऊपर डालोगे ना, कि अंदर से सिर्फ हलवा हलवा दोगे? डालना, ज्यादा डालना काजू हमारे लिए, और उसके ऊपर एक ये गुलाब जामुन भी रख दो है। तो हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए, हुआ पूरा ना। सो ये देखिए गाइस, आ गया मेरा गर्मा गर्म गाजर का हलवा, और ये देखे भैया ने कितने स्टाइल से इसको खड़ा कराया है, गुलाब जामुन को। वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि ये कॉम्बिनेशन मैंने कभी ट्राई करा, बट आज ट्राई करूंगी। ये देखो हाई, ये गुलाब जामुन तो एकदम मक्खन की तरह कड़िया। हो गुलाब जामुन एंड गाजर का हलवा। मैं सच बताऊँ, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपने ट्राई नहीं करा ना, तो मेरे कहने पे ट्राई जरूर करना, बहुत ही अमेजिंग है। भैया ने ना ये हलवा और ये रसगुल्ला गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही। चलो भाई, आज का चैलेंज जो है सक्सेसफुल हुआ, मैंने बहुत ही काबिल तारीफ अपना चैलेंज पूरा करा है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलूंगी मैं अगले चैलेंज में, टिल देन बाय।